हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने सफलतापूर्वक ख़त्म किया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर ये क्या होता है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग ने ख़त्म कर लिया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअल में होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि मैटर वन स्टेट से अनदर स्टेट में किस प्रकार जाएगा। कहने का मतलब, यदि आपका मैटर मान लीजिए सॉलिड में है तो ये लिक्विड में किस प्रकार जाएगा। ठीक है, लिक्विड में है तो फिर ये गैस में किस प्रकार जाएगा, मतलब इंटर कन्वर्जन। सॉलिड से कभी लिक्विड बन जाएगा तो लिक्विड से कभी गैस बन जाएगा, कभी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन ए पार्टिकुलर स्टेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। मेरे दोस्त, इसको हम लोग एकदम आराम से अच्छा से समझेंगे। ये देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है ना, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये ब्लू ठीक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा रेड होना चाहिए क्या? हाँ रेड लो सर जी, रेड। कैसा लो सर जी? रेड लो। देखो मेरे दोस्त, सर जी आपका तो राइटिंग नहीं बनता। अरे राइटिंग कौन देखता है यार, कंसेप्ट देखो ना। IIT कंसेप्ट से निकलेगा, राइटिंग से थोड़ी निकलेगा। इम्प्रेशन अच्छा बनता है, लड़की लोग ध्यान देती है। अच्छा कोई नहीं, देखते हैं। कन्वर्जन, कन्वर्जन मेरे दोस्त दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स किस किस पे? पहला होता है टेम्परेचर। पूरे केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। इस दोनों पे जिसको पकड़ बन गया वो केमिस्ट्री का हीरो बन जाएगा, आई गारंटी। फिजिकल केमिस्ट्री का हीरो बन जाएगा वो। मेरे दोस्त समझो, टेम्परेचर और प्रेशर पे जो होता है ना कन्वर्जन डिपेंड करता है। कन्वर्जन मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा। ठीक है, फिर लिक्विड से गैस में बदलेगा। ये कन्वर्जन जो है ना, ये कन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है? इंटर कन्वर्जन। ठीक है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर की वजह से ही सॉलिड कभी लिक्विड में बनेगा और लिक्विड कभी गैस बन जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं इसको एकदम आराम से मेरे दोस्त, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये टेम्परेचर की वजह से जो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, यही कहलाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैटर में जो कन्वर्जन होता है, सॉलिड से जो लिक्विड बनता है, लिक्विड से जो गैस बनता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे पहला क्या है, मेल्टिंग या फ्यूजन। ये क्या होता है? द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आराम से, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे कहेंगे कि मेल्ट कर गया। मेल्टिंग या फ्यूजन, कोई कहेगा अरे भैया वहाँ तो मेल्ट कर गया, मेल्ट कर गया, मेल्ट का चर्चा हुआ, अरे इसका मतलब जरूर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। फ्यूजन बोल दिया, इसका मतलब भी वही हुआ कि जरूर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे हुआ होगा? तो वहाँ टेम्परेचर प्रेशर का खेल होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा या कम कर दिया होगा, उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का कहने का मतलब है कि जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा ना, उसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा गया है। जैसे देखो मेरे दोस्त, तो आइस जो है, बर्फ, जनरली ये आइस जो होता है ना, चेंज टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हैंस 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे देखो अपना एक आइस का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, आइस का टुकड़ा जो है ना, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस का टुकड़ा वाटर में कन्वर्ट होगा। जब इस आइस के टुकड़े को हम जो है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लेके जाएंगे ना, तो ये आइस क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉलिड क्या बन गया? लिक्विड बन गया ना। सॉलिड क्या बन गया? लिक्विड बन गया। कहने का मतलब मेरे दोस्त, ये क्या है? सॉलिड क्या बन गया? लिक्विड। ये मेल्टिंग हो गया, सॉलिड मेल्ट कर गया। अब जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट हुआ है ना, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट करता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं हम लोग बॉयलिंग का। बॉयलिंग क्या होता है? द प्रेशर विच इन्वॉल्व द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। इसका ये वो लिक्विड बना, अब ये लिक्विड जब गैस बन जाएगा, ये लिक्विड जब गैस बन जाएगा तो इसको कहेंगे बॉयलिंग। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, तो इसको क्या कहेंगे? बॉयलिंग। अब ध्यान दीजिए, जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उसे कहेंगे हम लोग बॉयलिंग पॉइंट। याद रहे, वाटर जो होता है ना 100 डिग्री
सेंटीग्रेड पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए कंडीशन है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। चलिए इसको आराम से समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपके पास मान लीजिए सॉलिड का टुकड़ा है, ठीक है, ये नहीं कोई, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो लिक्विड लेना पड़ेगा ना, कंटेनर लेना पड़ेगा। चलिए इसमें देखो मेरे दोस्त क्या है, इसमें आपका इस प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है। देखो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए प्रेशर एकदम जरूरी है। देखो मेरे दोस्त, नीचे से हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। नीचे से हम जो है बर्नर के थ्रू हीट देना शुरू किए हैं, और ऊपर से देखिए इस लिक्विड, ये लिक्विड, ये सोचिए ये आपका एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर के द्वारा इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। इस प्रकार ये एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है। इस लिक्विड के ऊपर ही नहीं, एटमॉस्फेयर जो है ना, पृथ्वी पर जितना भी आदमी रहता है सभी के ऊपर एक प्रेशर लगाते रहता है हमेशा। अगर मान लीजिए ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। यदि ये एटमॉस्फेयर इसको नीचे दबा के नहीं रखेगा ना, अपने प्रेशर के थ्रू इस चीज़ को नीचे दबा के रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी पे स्टेबल रह पाता है। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ से हटा दिया जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया जाए, तो ये ऊपर उड़ जाएगा। कुछ नहीं करेंगे फिर भी ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऊपर उड़ जाएगा। हाँ, जैसे देख लीजिए चंद्रमा पे कोई जाता है तो वहाँ पे आदमी क्या करता है, फ्लो हवा में, एयर में उड़ते रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही नहीं, तो उड़ेगा ही। उसी प्रकार यही केस सेम यहाँ पे है। क्या ये एटमॉस्फेयर के द्वारा इसके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विड अभी क्या है, लिक्विड क्या है, स्टेबल है, ऊपर नहीं जा रहा है। लिक्विड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर इसको क्या किया है मेरे दोस्त, इस प्रकार अपने प्रेशर के थ्रू इसको दबा के रखा है। नीचे से हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट के थ्रू इसमें बॉयलिंग होगा, धीरे धीरे इधर से लिक्विड क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करेगा। ये तब तक गैस में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक इस लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ना हो जाए। ये गैस में कन्वर्ट, ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होगा, जो हम लिक्विड में हीट दे रहे हैं, इस हीट को पाकर ये लिक्विड जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, इसका प्रेशर, इस लिक्विड का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, तब लिक्विड जो है ना अपना गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में प्रेशर को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। ये एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाता है, ठीक है, 1 atm का प्रेशर इस लिक्विड के फ्री सरफेस पर एग्जर्ट हो रहा है। अब मान लीजिए कोई कहेगा कि बिना टेम्परेचर दिए हुए पानी को भाप में कन्वर्ट कर दो, तो कैसे करेंगे? एकदम आराम से कर देंगे सर जी। ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, इसको आप हटा दो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करो, इसको आप हटा दो, लिक्विड अपने भाप बन जाएगा। ये देखो, ये मेरे दोस्त, नीचे से हम अगर कुछ नहीं लगाएंगे, ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मैंने हटा दिया, तो ये लिक्विड अब ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको ऊपर से दबाने वाला कोई है ही नहीं, तो लिक्विड नहीं रुकेगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, शर्ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड बाय हीटिंग एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए वो डिफिनेशन में एकदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दर्शा दिया है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। लिक्विड जिस टेम्परेचर पे, लिक्विड जिस टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जिस टेम्परेचर से गैस में कन्वर्ट होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, कंडीशन एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर जो होता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मींस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इवेपोरेशन हम लोग जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।